जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी हेमंत लोहिया की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस हमले की जिम्मेदारी अब पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF ने ली है, जो कि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। साथ ही PAFF ने कहा है कि ये गृह मंत्री अमित शाह की कश्मीर यात्रा के पहले एक छोटा सा तोहफा है। बता दें कि PAFF पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का ही बदला हुआ रूप है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से PAFF का नाम सामने आने लगा था। PAFF आतंकी समूह अंसार गजवत उल हिंद के मारे गए कमांडर जाकिर मूसा से प्रेरित है, जो कि वैश्विक आतंकवादी समूह अलकायदा के लिए वफादार माना जाता है। इसके अलावा PAFF ने 2020 में वीडियो जारी कर धमकी दी थी, जिसमें उसने कहा था कि कश्मीर में इसराइल की तरह सेटलर्स कॉलोनी नहीं बसाने देंगे, इन कॉलोनीज में बसने वाले भारतीयों को निशाने पर लिया जाएगा। PAFF पहले भी कई हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। अक्टूबर 2021 में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरनकोट में घात लगाकर किए गए हमले की जिम्मेदारी PAFF ने ली थी। सुरनकोट में हुए आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा PAFF ने BJP नेता और कश्मीरी पंडित राकेश पंडिता की हत्या की भी जिम्मेदारी ली थी। इतना ही नहीं बल्कि इस संगठन ने यह भी चेतावनी दी थी कि वह भारत को कश्मीर में किसी भी G20 बैठक का आयोजन करने की अनुमति नहीं देने के लिए दृढ़ है और इसे रोकने के लिए वह कुछ भी करेगा।